11th. आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग अपने चैप्टर सेकंड में टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ने वाले हैं, यानी कि कितने टाइप की कंपनी होती है। जनरल लैंग्वेज में ना हम लोग हर एक चीज़ को कंपनी बोल देते हैं, ये वो कंपनी है, ये फलाना कंपनी, ये रिलायंस कंपनी है, कुछ भी। लेकिन कितने टाइप की कंपनी होती है ये हमें अभी तक 10th तक नहीं पता था। लेकिन क्योंकि अब आप कॉमर्स ले चुके हो गाइस, तो अब आपको ये नॉलेज लेनी पड़ेगी कि कितने टाइप की कंपनी होती है। कल को आपको अपनी भी कंपनी खोलनी पड़े या फिर आपको किसी कंपनी में काम करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम कौन सी कंपनी में काम करने वाले हैं, है ना। गाय और भैंस में फ़र्क तो होता है ना, ऐसे ही कंपनी में भी फ़र्क होता है कि कितने टाइप की कंपनी होती है, कैसे पता चलता है कि कौन सी कंपनी कौन सी है, राइट। सो गाइस यहाँ पर आज हम जो पहली कंपनी पढ़ेंगे वो है प्राइवेट कंपनी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहता है अकाउंट्स, बिजनेस या फिर इकोनॉमिक्स को लेके, तो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आईडी है मेरी तबिता मैसी, जो कि मेरा नेम है, और इसके अलावा यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए फॉर न्यू वीडियोस, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं गाइज। देखो सबसे पहली जो हम कंपनी पढ़ेंगे वो है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइवेट कंपनी है गाइस? तो प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है किस चीज़ पर गाइस, राइट ऑफ अ मेंबर टू ट्रांसफर हिज शेयर्स, यानी कि वहाँ पर मेंबर्स अपने शेयर किसी थर्ड पार्टी को या किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। यानी कि अगर मैंने अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ कंपनी खोली, तो मेरा भाई मुझे बीच में छोड़ के ये नहीं कह सकता कि मैं अपने शेयर किसी और अपने थर्ड पर्सन को देके जा रहा हूँ। नहीं, आप अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपके शेयर आपके ही रहेंगे। हाँ, अगर इंटरनल कोई भी खरीद सकता है, लाइक मैं खरीद लूँ या दोस्त खरीद ले, कोई भी खरीद सकता है हम, लेकिन बाहर नहीं दे सकते। इसमें गाइस कितने मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं, तो मिनिमम आप 2 लोगों से पब्लिक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम 200 लोग बन सकते हैं मेंबर। पर वही मेंबर बनते हैं गाइस जो हम चाहते हैं, यानी कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं वही मिलकर उसे बना मेंबर इंक्लूड कर सकते हैं। आप मार्केट में आके किसी को भी मेंबर नहीं बना सकते। इसमें प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता, मेंबर नहीं माना जाता, ठीक है। डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी। प्राइवेट कंपनी कभी भी मार्केट में आके अपने सिक्योरिटीज़ को बेचती नहीं है, ठीक है, वो अपने मेंबर्स के बीच में ही अपने शेयर्स रखती है, वो मार्केट में आके सिक्योरिटीज़ नहीं बेचती, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइस, आपको कैसे पता चलेगा ये प्राइवेट कंपनी है? तो देखो जहाँ पर भी प्राइवेट कंपनी जो भी होगी उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होगा, ठीक है, क्या लगा होगा, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइवेट कंपनी है। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी कोई भी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द अफोरसाइड प्रोविजन, इट सीज टू बी प्राइवेट कंपनी एंड लूजेस ऑल द एग्जेम्पशन एंड प्रिविलेज टू विच इट इज़ एंटाइटल। अगर गाइस कंपनी अपनी कोई भी आप कह सकते हो प्रोविजंस को तोड़ती है जो बताए गए हैं, मार्केट में आगे कोई चीज़ें बेचने लग जाए अपनी सिक्योरिटी वगैरह ये सब, तो देखो उसको जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, यानी कि प्रिविलेज मतलब जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो उसको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि उसने अपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं माने। अब यहाँ पर बात करी जा रही है प्रिविलेज क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक के ऊपर। तो सबसे पहले अब हमें पब्लिक यानी कि सेकंड कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस देखो सेकंड कंपनी होती है हमारी पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पर पब्लिक कंपनी के बारे में बताया गया है। देखो पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं, जो प्राइवेट कंपनी पहली बात तो नहीं है। सेकेंड चीज़, अब ये क्या मतलब हुआ कि भैया जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, तो वो कहते हैं एक और चीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हो, वो क्या, प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें 2 लोगों से स्टार्ट करी जा सकती है, जबकि यहाँ पर 7 लोग मेंबर होंगे कम से कम, और इसके अलावा वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी मेंबर्स की, जितने मर्जी मेंबर बनाओ। सेकेंड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, आप किसी को भी बेच सकते हो। क्यों बेच सकते हो गाइस, क्योंकि ये अपने शेयर्स मार्केट में आके बेचती है। इट्स नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी, यानी कि वो रोकती नहीं है किस चीज़ को, पब्लिक में अपने शेयर आके बेचने पर। मेनली गाइज जो डिफरेंस है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में वो यही होता है
कि पब्लिक कंपनी मार्केट में आके अपने शेयर्स को बेचती है, पब्लिक का पैसा लगाती है अपने बिजनेस में, तब वो जाके पब्लिक कंपनी बनती है। जबकि प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स इंडिविजुअली चुनकर उनका पैसा डिसाइड करके लगवाती है। तो ये मार्केट में आके प्राइवेट कंपनी नहीं बेचती, कौन बेचता है? पब्लिक कंपनी बेचती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। अब गाइज क्या प्रिविलेज है, देखो यहाँ पर बात करी जा रही है अलग से प्रिविलेज की कि भैया क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किसे मिलते हैं प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के ऊपर, तो वो अब हम पढ़ते हैं। अब प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म, दो लोगों से बनाई जा सकती है, ठीक है। जबकि पब्लिक कंपनी के लिए हमें पता है कितने लोगों की ज़रूरत होती है गाइज, मिनिमम 7 लोगों की। यहाँ पे कोई भी प्रोस्पेक्टस हमें इशू नहीं करना पड़ता। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं गाइस, आपके स्कूल का भी प्रोस्पेक्टस होता है ना, जिसमें आपके स्कूल की फुल डिटेल लिखी होती है, कौन से फंक्शन हुए, उन सबकी पिक्चर्स लगी होती हैं। ऐसे ही जब कंपनी आती है गाइस, तो कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन जिस में प्रिंट कराती है उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी को तो इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो शेयर्स थोड़ी लेके आ रही है मार्केट में। पब्लिक कंपनी को ये कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मार्केट में आएगी तो लोगों को कैसे बताएगी, तो वो प्रोस्पेक्टस लेके आती है जिसमें कंपनी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम। अब भाई प्राइवेट कंपनी जो होती है गाइस, वो भाई अलॉटमेंट क्या ही करेगी, है ना, क्योंकि उसको पता है उसके मेंबर्स कौन कौन है। लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं करती, बट पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन गाइस कितना होता है, 90%। अगर एक पब्लिक कंपनी मार्केट से 90% पैसा नहीं उठा पाती, तो उसे दोबारा से सारा प्रोसीजर इशू करने का, शेयर्स का करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट में कोई शेयर्स लेके ही नहीं आ रही, वो तो इंडिविजुअली डिसाइड कर रहे हैं। तो इतना पैसा लगा 50%, मैं 30%, वो 20%, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर ये मतलब है। आगे ये क्या बोलते हैं गाइस, देखो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर हमें चाहिए होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। और दोनों ही कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, 15, तो ये हमें पता होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी कोई भी मेंबर्स का इंडेक्स नहीं बनाती, जबकि पब्लिक कंपनी को ज़रूरी होता है बनाना भाई, क्योंकि कौन मेंबर से पता होना चाहिए ना। सो अब आपको पता चला प्राइवेट एंड पब्लिक में क्या डिफरेंस है गाइस। इसके अलावा आपको बुक में एक जगह पर इस तरीके से डिफरेंस भी बताया गया है। मिनिमम मेंबर्स आपको पता है पब्लिक में कितने होते हैं, 7, जबकि प्राइवेट में सिर्फ 2। यहाँ पे मैक्सिमम की लिमिट है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम डायरेक्टर्स गाइस, प्राइवेट में जितने मिनिमम मेंबर है उतने डायरेक्टर है, जबकि यहाँ पे 3 डायरेक्टर है। यहाँ पे कोई भी इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर हम प्राइवेट में नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं। पब्लिक में सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आके शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी गाइस, कोई प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी अगर सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की, यानी कि बड़ी कंपनी की सहायक, जिसमें इसके परसेंटेज है शेयर्स की, तो इसे भी हम पब्लिक कंपनी मानते हैं, ठीक है। अब गाइस ये आपने अभी तक 2 टाइप की कंपनी पढ़ी, जिसमें आपने पहली पढ़ी कौन सी, प्राइवेट कंपनी, फिर पढ़ी पब्लिक कंपनी। अब आप जो पढ़ने वाले हो उसका नाम है गाइस 1-person कंपनी। 1-person कंपनी किसे कहते हैं, यानी कि नाम से ही अगर आप देखो तो किसे कहेंगे, 1-person कंपनी, जहाँ पे सिर्फ 1-person कंपनी को बनाता है। अब ये आइडिया किसके मन में आया था भाई कि एक बंदे से कंपनी बनानी है, तो देखो ये आइडिया बेसिकली ना, अगर आपकी बुक में ये वाली बुक हो तो यहाँ पर हमें एक कॉलम में बता रखा है कि जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड करा था 1-person कंपनी के बारे में, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया था कि भैया एक सिंपल होना चाहिए, जिसमें एक पर्सन जो है 1-person कंपनी फॉर्म कर सके। अब बोलो 1-person तो सोल प्रोप्राइटर भी होता है गाइस, लेकिन क्या फ़र्क है दोनों में। सोल प्रोप्राइटर में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसके मरने पर उसका बिजनेस बंद हो जाता है, बट 1-person कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी चलती रहती है और उसकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, ठीक है। सो 1-person कंपनी इज अ कंपनी विद ओनली अ 1-person एज अ मेंबर, ठीक है, एंड दैट 1-person विल बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। वही शेयर होल्डर कहलाते हैं, क्योंकि उसके पास ही ये सारे शेयर। इट अवेल्स ऑल द बेनिफिट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको सारे प्राइवेट लिमिटेड के बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन कौन से, सच एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी की आइडेंटिटी अलग है और पर्सन की अलग है। प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट्स फ्रॉम बिजनेस लाइबिलिटी, उस पर्सन के घर के एसेट्स जो है गाइस, बिजनेस की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए यूज़ नहीं करे जाएंगे।
एंड परपेचुअल सक्सेशन यानी कि लगातार चलती रहती है कंपनी, कंपनी पर किसी के आने जाने या डेथ होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज़ खास बात थी इसकी। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि फीचर क्या है इस कंपनी के बारे में। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी। देखो सबसे पहले गाइज, नेचुरल पर्सन यानी कि सांस लेने वाला पर्सन जो होता है, जो सांस ले सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन गाइज जो सांस नहीं लेता, नेचुरल पर्सन जो सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है, सो वही बन सकता है, वही बना सकता है 1% कंपनी। लेकिन शर्त क्या है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए यानी कि इंडियन, इंडिया की उसे सिटीजनशिप मिली होनी चाहिए। अब सिटीजन मतलब बाय बर्थ हमें हम सिटीजन कहलाते हैं या फिर लीगली हम बन भी सकते हैं सिटीजन, तो वो। सेकंड गाइस, रेजिडेंट, दोनों में फ़र्क होता है सिटीजन और रेजिडेंट में। रेजिडेंट आपके स्टे पर डिपेंड करता है। जापान का बंदा अगर इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट तो कहलाएगा बट सिटीजन नहीं कहलाएगा क्योंकि वो यहाँ पैदा नहीं हुआ। रेजिडेंट गाइस आप कैसे बन सकते हो, अगर आप मिनिमम प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल 142 दिन अगर आप इंडिया में रहते हो और यहाँ काम करते हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाते हो। कितने दिन? 142 दिन। ये इनकम टैक्स के हिसाब से बताया गया है और इसके हिसाब से ही फिर टैक्स लगाया जाता है, डेज कैलकुलेट करे जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी नेचुरल पर्सन जो सिटीजन है और रेजिडेंट है यानी कि उसने स्टे किया है, वो एक बिजनेस कर रहा है, शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी एंड शेल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ अ 1% कंपनी। और वो नॉमिनी बन सकता है किस चीज़ का गाइस? 1% कंपनी का, ठीक है। अब इसके बाद गाइस, नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन अ 1% कंपनी और बिकम अ नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। अब कोई भी बंदा एक से ज़्यादा जो है वो 1% कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता और ना ही गाइस वो एक से ज़्यादा कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। जैसे होता है ना, हम अपनी कंपनी में नॉमिनी बनाते हैं, तो वो एक से ज़्यादा कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता 1% कंपनी में। अब यहाँ पे थर्ड क्या बात करी जा रही है, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन अ 1% कंपनी इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल बिकमिंग अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ नॉमिनी इन दैट 1% कंपनी सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये बोलते हैं कि अगर एक पर्सन जो है गाइस, मतलब बहुत बड़ी लाइन लिखी गई है और थोड़ी लैंग्वेज भी ऐसी है कि वो अगर मेंबर है 1% कंपनी का अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, वो दूसरी कंपनी का भी मेंबर बन सकता है, मेंबर इन अनदर सच कंपनी कब बन सकता है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ नॉमिनी इन दैट पर्सन, मतलब दूसरी कंपनी का वो नॉमिनी बन सकता है, नॉमिनी और मेंबर कहलाया जा सकता है अगर वो किस में, रूल नंबर 2 के अंदर आ जाए और 180 डेज को कंप्लीट कर ले यानी कि इंडिया में रहे, तब वो किसी एक कंपनी का मेंबर बन सकता है और एक कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, ठीक है। नो माइनर यानी कि कोई भी माइनर को यानी कि जो 18 साल से कम की एज के होते हैं उन्हें हम मेंबर या फिर नॉमिनी नहीं बना सकते 1% कंपनी में, ठीक है, और ना ही हम उन्हें शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है। सच कंपनी कैन नॉट इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, वो किसी और कंपनी में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती ना ही कन्वर्ट करी जा सकती है। आगे, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये इस बिजनेस लाइन में अपना काम नहीं खोल सकती, किसमें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनीबडी कॉर्पोरेट्स। तो अगर वो सिक्योरिटीज एंड ऑल में डीलिंग करके 1% कंपनी ये काम नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलेंट्री इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। देखो यहाँ पर इन्होंने पहले बोला कि हम कन्वर्ट नहीं करा सकते, फिर इन्होंने अपनी ही बात यहाँ पर तोड़ी है। कैसे तोड़ी है गाइस, अब मैं वो आपको बताती हूँ कि कन्वर्ट वॉलेंट्री हम नहीं कर सकते किस में, इन एनी काइंड ऑफ कंपनी में, कब तक, जब तक कि 2 साल पूरे ना हो जाए उस कंपनी को, ठीक है, और या फिर वो क्या कहते हैं कि उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर बढ़ जाती है तब भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसका एनुअल टर्नओवर गाइड 2 करोड़ से, एनुअल टर्नओवर बोले तो सेल उसकी 2 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है तब भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले वो कह रहे हैं कि नहीं कन्वर्ट कर सकते, बट यहाँ पर एक हमें प्रोविजन भी दिया गया है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो,
लेकिन उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, या तो 2 साल पूरा कर लो, या फिर आप अपनी पेड अप कैपिटल को 50 लाख से ज़्यादा कर लो, या फिर थर्ड क्या बोला उन्होंने इसी के साथ साथ, क्या बोली थर्ड चीज़, 2 करोड़ से ज़्यादा की अगर आपकी सेल हो जाती है तो भी आप अपनी कंपनी को 1% कंपनी को अदर कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। जबकि वो पहले बोल रहे थे नहीं कर सकते, बट उन्होंने बोला अगर आप ये शर्तें पूरी करते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये तीनों टाइप की कंपनी जो कि प्राइवेट, पब्लिक एंड 1% कंपनी, जो कि बहुत आसान है समझना, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।